हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इस कैलकुलेटर ऐप के बारे में। अगर दोस्तों आपके मोबाइल फ़ोन से ये कैलकुलेटर हाइड ऐप अनइंस्टॉल हो जाता है, या फिर दोस्तों आप इस कैलकुलेटर हाइड ऐप को अपने मोबाइल फ़ोन से डिलीट कर देते हैं और फिर दोस्तों आप चाहते हैं कि भाई हमसे गलती से डिलीट हो गया है और हमें इस पर जो फोटो वीडियो थी हमारी वो अपनी वापस चाहिए, तो फिर आप इसे कैसे वापस लाएंगे? आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे दो तरीके बताऊंगा जिनसे आप अपनी इस कैलकुलेटर हाइड ऐप अगर आपके मोबाइल फ़ोन से अनइंस्टॉल हो जाए या फिर डिलीट हो जाए तो फिर आप अपनी फोटो वीडियो को अपने मोबाइल फ़ोन में वापस ला पाए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आरिफ और चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तरीका आपके पास ये होता है कि भाई अगर आपके मोबाइल फ़ोन से ये वाला कैलकुलेटर हाइड ऐप अनइंस्टॉल हो जाता है या फिर आपके मोबाइल फ़ोन से डिलीट हो जाता है दोस्तों, ऐसे में आप फोटो वीडियो को कैसे अपने वापस लाएंगे? करना क्या है दोस्तों, आपको अपने इस कैलकुलेटर ऐप को प्ले स्टोर पर जाकर सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपको यही कैलकुलेटर ऐप अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल करना होगा और फिर दोस्तों जब आप इसे अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर लेंगे फिर आपको वही सेम पासवर्ड इसमें डालना है जो पहले आपने पासवर्ड डाल के रखा था। ऐसे में फोटो वीडियो जितनी भी होगी दोस्तों आपके वो सारे वहाँ से रिकवर हो जाएंगे। और अगर दोस्तों आपने दोबारा में यहाँ से कोई नया पासवर्ड सेट कर लिया दोस्तों, फिर आपके फोटो वीडियो वापस नहीं आएंगे। जो पासवर्ड आपका पहले था वही पासवर्ड सेम डालना है, फिर आपके फोटो वीडियो इस कैलकुलेटर ऐप में वापस आ जाएंगे। अब बात करते हैं हम दूसरे तरीके की, जिससे हमारे फोटो वीडियो अगर हमारे इस कैलकुलेटर हाइड ऐप को दोबारा इंस्टॉल करने के बाद भी वापस ना आए तो फिर कैसे लाएंगे? उसके लिए दोस्तों मेरे पास एक ऑप्शन है, मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर। अब मैं आपको डिटेल से बताऊंगा किस तरीके से आपको अपने कैलकुलेटर हाइड ऐप अगर आपके मोबाइल फोन से अनइंस्टॉल हो जाता है फिर आप अपने फोटो वीडियो को कैसे वापस लाएंगे। दोस्तों अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे ये वाला कैलकुलेटर ऐप हमारा, अगर ये हमारे मोबाइल फ़ोन से अनइंस्टॉल होता है फिर फोटो वीडियो को कैसे निकालेंगे? अगर हम दोबारा से इंस्टॉल करते हैं फिर भी अगर हमारे वापस नहीं आया तो फिर कैसे निकालेंगे? अब दोस्तों पहले मैं आपको इस ऐप को ओपन करके दिखाता हूं। मैं इसे यहां से ओपन कर लेता हूं। ओपन करने पे हां तो एड आ रहे हैं, एडम कट कर देते हैं और फिर मैं आपको दिखाता हूँ जो मेरे फोटो वोटो पड़े हैं इसमें। दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे यहाँ पर ये तीन फोटो पड़े हैं और मैं अब आपके सामने इस ऐप को यहाँ से अपने मोबाइल फ़ोन से अनइंस्टॉल करूँगा, फिर दोबारा आपके सामने इसके जो फोटो वीडियो हमारे इसमें जो फोटो पड़े हैं हमारे टाइम स्लिप और वीडियो भी पड़ेगा दोस्तों, आपको वीडियो भी निकालनी जैसे मैं बताऊँगा आपको सिर्फ। अब दोस्तों इस ऐप को मैं यहाँ से अपने मोबाइल फ़ोन से अनइंस्टॉल कर देता हूँ आपके सामने, सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर कर रहा हूँ दोस्तों। आपको अनइंस्टॉल नहीं करना, आपको जैसे मैं कर रहा हूँ बस आपको वैसे देखना है। जिसमें फोटो अपने वापस लाऊंगा अपने इस कैलकुलेटर ऐप से आपको भी वैसे ही वापस लाने हैं, तो मैं इस ऐप को अपने मोबाइल फ़ोन से यहाँ से अनइंस्टॉल कर देता हूँ। तो ये हमारे मोबाइल फ़ोन से अनइंस्टॉल हो गया, आप देख सकते हैं दोस्तों अनइंस्टॉल हो चुका है हमारे मोबाइल फ़ोन से। अब दोस्तों बात करते हैं अब जो हमारे इस कैलकुलेटर ऐप पे जो फोटो थे और जो वीडियो थी वो हम कैसे वापस लाएंगे। तो अब हम प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर जाने के बाद दोस्तों अब हमें यहाँ पर सर्च करना है फाइल मैनेजर। आपको ये सर्च कर देना है प्ले स्टोर पर जाने के बाद। सर्च करने के बाद आपके सामने यहाँ पर काफ़ी सारे फाइल मैनेजर आएंगे। आपको ये वाला करना है जिसपे MI लिखा हुआ होगा और 500 मिलियन प्लस इस ऐप के यहाँ से डाउनलोड है। आपको ये वाला ऐप अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर देना होगा, ठीक है दोस्तों। तो आप इसे यहाँ से अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर ले, बहुत कम MB का ऐप है। मैं इस ऐप को यहाँ से इंस्टॉल कर रहा हूँ। दोस्तों अगर आप स्क्रीन पर देखेंगे मैंने इस फाइल मैनेजर ऐप को अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर लिया है और आप भी इसे अपने मोबाइल फ़ोन में यहाँ से इंस्टॉल कर लें। तो अब हम इसे यहाँ से अपने मोबाइल फ़ोन में ओपन करते हैं। ओपन करने में दोस्तों हमसे कुछ परमिशन मांगेगा। आपको परमिशन एलो करने के बाद यहाँ पर इसकी जो परमिशन एलो करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जॉइन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आई एग्री पे क्लिक कर देना है। एग्री पे क्लिक करके और आपके सामने ये परमिशन मांगेगा, परमिशन यहाँ से एलो कर देनी है आपको। आपके सामने कुछ इस तरीके का यहाँ पर इंटरफेस आ जाएगा। आपको यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखना होगा दोस्तों, आप यार थोड़ा यहाँ पर ध्यान से देख लो। अगर बाद में बस आप कमेंट करोगे भैया हमारे मोबाइल फोन में ये फोल्डर शो नहीं हुआ तो या फिर दोस्तों ऐसे में अच्छा नहीं लगता, आप इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखें फिर आप मुझे कमेंट करना, फिर आपके फोटो वीडियो वापस आएंगे, फिर आपको अच्छा सा कमेंट जरूर कर देना। ऊपर अगर आप देखेंगे यहाँ पर 3 बार का ऑप्शन मिलेगा आपको। यहाँ पर क्लिक करना होगा और यहाँ सेटिंग है, आपको सेटिंग पे क्लिक कर देना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद दोस्तों अगर आप देखेंगे तो आपके सामने ऊपर ही आ जाएगा शो हाइड एंड फाइल, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों अब आपको बस यहाँ से बैक आना है और बैक आने के बाद अगर आप साइड पर देखेंगे यहाँ है आपका इंटरनल स्टोरेज, आपको यहाँ पर जाना है। यहाँ पर जाने के बाद दोस्तों अगर आप ऊपर देखेंगे यहाँ मिल गया हमें फोल्डर हाइड एंड फोटो कैलकुलेटर, आपके सामने ये वाला फोल्डर आएगा, आपको इस पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ सारे फोल्डर आ जाएंगे, आपकी ऑडियो का फोल्डर यहाँ पर आ जाएगा और फाइल का आ जाएगा और इमेज का आ जाएगा और वीडियो का फोल्डर आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो मेरे कैलकुलेटर ऐप में फिलहाल 3-4 इमेज थी, मैं आपको एग्जांपल तो पे दिखा रहा हूँ। ये मेरी इमेज है, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद अगर दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर हमारी ये तीनों की तीनों इमेज एक वायरस टाइप की इनक्रप्ट फाइल बनी पड़ी है, हमें इन्हें ठीक करना होगा। ठीक कैसे करेंगे आपको थोड़ा यहाँ पर ध्यान से देखना है। हमें इसे करने के लिए यहाँ दबा कर रखना है इस तरीके से। नीचे आप देखेंगे यहाँ लिखा हुआ मोर, आपको मोर पे क्लिक करना होगा और यहाँ लिखा हुआ रीनेम, आपको इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको ये सारे नंबर कट कर देने हैं। सारे नंबर आप यहाँ से कट कर दें। शुरू में आप यहाँ पर कोई अच्छा सा नाम डालें अपनी इमेज के लिए, उसके बाद आपको यहाँ पर डॉट लगा देना है, फिर लगा देना है आपको JPG, बस आपको इतना लगा देना है और यहाँ पर ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ भी ओके कर देना है।
इस तरीके से ओके करने के बाद आपकी जो इमेज होगी दोस्तों वो बिल्कुल परफेक्ट बिल्कुल रेडी हो जाएगी, और जो उस इमेज की पहले क्वालिटी थी सेम क्वालिटी अभी भी ऐसी रहेगी, क्वालिटी में कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इसी तरीके से आपको ये दोनों इमेज भी इस तरीके से ठीक करनी है। तो हम इसे भी ऐसे ठीक करते हैं और यहाँ से कट कर देते हैं सारा हम, और यहाँ पर शुरू में अच्छा नाम डालते हैं जो दिल में आए, और बाद में JPG लिख देते हैं और ओके। बस दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी तीनों इमेज यहाँ पर रेडी हो चुकी है, और जो इनकी क्वालिटी थी क्वालिटी में कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, और बिल्कुल ओके हमारी इमेज यहाँ पर ओपन हो चुकी है। अब मैं आपको ऐसा बेकर दिखाता हूँ। अब बात करते हैं वीडियो की, तो यहाँ पर इस टाइम हमारी कोई वीडियो नहीं, क्योंकि मेरे उस कैलकुलेटर ऐप में कोई मैंने वीडियो सेव नहीं करके रखी थी। अब अगर आपके यहाँ पर वीडियो आया तो वीडियो में आप कैसे करेंगे, वीडियो में करना क्या है आपको, यहाँ पर जैसे मैंने उसमें बताया आपको दबा कर रखना इस तरीके से, और नीचे आपको मोर का ऑप्शन मिलेगा, मोर पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद रीनेम पे, रीनेम पे क्लिक करने के बाद सारे नंबर आपको वहाँ से कट कर देने हैं। फिर आपको अपनी वीडियो के लिए कोई अच्छा सा नाम एक रखना होगा, फिर बाद में आपको डॉट लगा देना है, उसके बाद फिर आपको लगाना है MP4, बस इतना लिख देना है और उसके बाद में ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपकी वो वीडियो बिल्कुल सक्सेसफुल रीनेम हो जाएगी, और जो वीडियो होगी आपकी वो भी ओपन हो जाएगी। तो इस तरीके दोस्तों आप वीडियो करेंगे। और दोस्तों ये करने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ से आपको ये दोनों फोल्डर सेट कर लेने हैं, जो जो आपने फोटो और वीडियो ठीक करी है अपनी, उन फोल्डर को इस तरीके सेट कर लेना है। नीचे अगर देखेंगे यहाँ एक मूव का ऑप्शन, आपको मूव पे क्लिक कर देना है। मूव पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा, आपको ऊपर इंटरनल स्टोरेज में क्लिक करना है। इंटरनल स्टोरेज में क्लिक करने के बाद आपके सामने जितने आपके मोबाइल फोन फोल्डर होंगे सबके सब आ जाएंगे, या फिर आप यहाँ से कोई फोल्डर सेट करके यहाँ पर लाकर इन फोटो वीडियो को पेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ से कोई नया फोल्डर बना के अपने फोटो वीडियो को यहाँ से पेस्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ से एक नया फोल्डर बनाते हैं। नया फोल्डर बनाने के बाद हम यहाँ क्या करते हैं, इस फोल्डर को ओपन कर दें। ओपन करने के बाद अगर आप नीचे देखेंगे यहाँ पर लिखा है पेस्ट, तो आपको पेस्ट पर क्लिक कर देना है। पेस्ट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारे जो फोटो वीडियो होंगे और जो हमारी इमेज होगी उस सारी यहाँ पर आ जाएगी, फिर हमारी वो गैलरी में भी चली जाएगी। दोस्तों अगर आपके मोबाइल फोन से कैलकुलेटर हाई डेप अनस्टॉल होता है, या फिर आपके मोबाइल फोन से डिलीट होता है, तो फिर इस तरीके से आप अपने फोटो वीडियो को अपने मोबाइल फोन में वापस लाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। अगर फिर भी आपका कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के बाद आप चाहे तो मुझे वहाँ मैसेज कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर कर दें सबको। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर आपसे अगली नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।